महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म ओ माय गॉड 2 के फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। इसके साथ ही जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत भी की है कि उज्जैन में फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने दिया जाए। दरअसल यहां अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के बैनर पर शिकायत की है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा का कहना है कि फिल्म में भगवान शिव का रूप गलत तरीके से दिखाया है। उन्हें बाजार में दुकान से कचोरी खरीदते दिखाया गया है। यह भगवान शिव के श्रद्धालुओं को आहत करता है। हमने ये मांग की है कि इस फिल्म में से महाकाल मंदिर से संबंधित सारे शॉट को हटा दिया जाए, क्योंकि ये अश्लील फिल्म है। इसको ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है और इसको वयस्क ही देख सकते हैं, नाबालिग लोग नहीं देख सकते हैं। इसलिए इस फिल्म के ऊपर जो शॉट है महाकाल के, महाकाल से संबंधित और शिव से संबंधित है, वो सारी शॉट हटाना चाहिए। ये हमने मांग की है जन सुनवाई में, और अधिकार क्षेत्र का जिलाधीश का बनता है कि जिले में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही हमने लीगल नोटिस भी इशू किया है, और अब नोटिस के साथ जो उन पर हम एक वाद भी का, तो हाईकोर्ट में भी हम एक पिटीशन उनके माध्यम से लगाए। किन किन लोगों का इसमें नाम दिया है आपने? जो इसमें संबंधित है, जो अभिनेता है, निर्देशक है, निर्माता है, और जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, इन चारों को दिए। हम अब हर जिले में हमारे संघ के माध्यम से इस तरीके की बात करें कि भविष्य में जब भी कोई ऐसी शूटिंग का वहाँ होता है तो पहले अधिकारी वर्ग उसको पढ़े, समझे, और मंदिर से यदि किसी प्रकार की मंदिर की बदनामी होती है, महाकाल की बदनामी होती है या अन्य बात होती है, तो वो उसको वहाँ पे अनुमति ना दे। ये ऐसा हम आग्रह आपके माध्यम से कर सकते हैं। नोटिस फिल्म निर्देशन अमित राय, निर्माता विपुल शाह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, एक्टर अक्षय कुमार के अलावा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून कुमार जोशी को भेजा है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की ओर से हाईकोर्ट के वकील अभिलाष व्यास ने यह नोटिस भेजा है। ज्ञापन जो हमने दिया है वो धारा 13 सिनेमाटोग्राफी एक्ट के अंतर्गत दिया है, जिसमें कलेक्टर को यह प्रावधान है, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह प्रावधान है, प्रावधानित किया गया है कि कलेक्टर किसी भी मूवी को ऐसा प्रसारण अगर जिसमें होता है कि जिसमें किसी प्रकार की पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसके ऊपर वो रोक लगा सकते हैं। उसी के संदर्भ में हमने एप्लीकेशन दिया है कि जो नई मूवी आ रही है OMG 2, जिसमें कि महाकाल मंदिर में जिसकी शूटिंग हुई है और भगवान शिव से लेकर यहाँ पर कई तरीके का उसमें फिल्मांकन किया गया है, तो जब अभी हमें पता चला 31 तारीख को सेंसर बोर्ड के द्वारा कि मूवी को ए सर्टिफिकेट दिया, और ए सर्टिफिकेट का यह मतलब है कि वो मूवी जो है या तो अश्लील मूवी है या उसका कंटेंट जो है सिर्फ वयस्कों के लिए, वो प्रभु श्री महाकाल की स्थिति, मतलब सभी का उसमें आस्था और सभी की भक्ति, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, सभी का हो। तो हमारा ऐसा कहना है कि हमारे जो प्रभु श्री महाकाल है उनका कोई भी एडल्ट मूवी या ए कंटेंट वाली मूवी में उनके संबंध में कोई चित्र या फिल्मांकन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसको लेकर हमने आपत्ति दर्ज करी है। देखिए OMG 2 को लेकर एक जो है शिकायत पंडित महेश शर्मा जी एवं अन्य के द्वारा दी गई है, और इसकी तथ्यात्मक जाँच करेंगे और जो भी कार्रवाई करना है नियमानुसार करेंगे। उन्होंने कुछ आपत्ति ली है, उनका कहना है कि कुछ दृश्यों का फिल्मांकन यहाँ पर हुआ है, इस संबंध में उनकी आपत्ति, इसकी विस्तृत जाँच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। बता दें कि नोटिस में कहा गया है कि लेटर मिलने के 24 घंटे के अंदर अपमानजनक दृश्यों को हटाया जाए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ऐसा न करने पर फिल्म के सर्टिफिकेट को रद्द करने के लिए अपील की जाएगी। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।